Assalamualaikum, welcome to another video of Content District. I'm Raina Janat और आज हम बात करेंगे पेट्रोल की फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस पे और उसका इफेक्ट क्या होता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे और हमारे लोगों की परचेजिंग पावर पे। आज हमारे साथ एक गेस्ट हारिस लगाई। सो हारिस, आपके ख्याल में हमारी कंट्री में पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों करती हैं? अच्छा, अगर हम देखें अगर पेट्रोल प्राइसेस के बारे में हम बात करें कि वो फ्लक्चुएट क्यों करती है हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह ये है कि जो बैरल्स हैं, जो US बैरल्स हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसीलिए ओगरा जो है हर 15 डेज बाद समरी देती है प्राइम मिनिस्टर को और फिर वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है कि वो चेंज करें या ना। जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो बाकी चीज़ों की भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और इससे ये होता है कि जो लोगों की स्पेंडिंग पावर है वो कम होती है। जब पेट्रोल की प्राइसेस एक दफ़ा इंक्रीज होती हैं और फिर उसके बाद डिक्रीज होती हैं, तो आपके ख्याल में जो हमारे लोग हैं वो प्राइसेस डिक्रीज करने पे कुछ कहते हैं और जो प्राइसेस होती हैं वो डिक्रीज होती भी हैं कि नहीं? अच्छा, एक दफ़ा जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और बाकी चीज़ों की भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो अगर बेशक पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज भी हो जाए तो वो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस डिक्रीज नहीं होती। इसकी वजह ये है कि लोग कस्टम हो चुके होते हैं कि वो परचेज करते ही करते हैं। हमारी कंट्री की जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो किस किस्म की है? इज इट गुड और बैड? और हम बाकी कंट्रीज की और हमारी कंट्रीज की परचेजिंग पावर में कितना डिफरेंस है? अगर हम परचेजिंग पावर की बात करें तो कहा जाता है कि सबसे सस्ता पेट्रोल हमारे मुल्क में दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें, एक लेबर क्लास का जो आदमी है वो भी $10 to $15 पर आ कमाता है, अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो कितने रुपए बनते हैं। तो इस तरह उनकी स्पेंडिंग पावर हमारे से ज़्यादा है और हमारी बहुत कम है। थैंक यू हारिस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक एंड शेयर आवर पेज ऑन YouTube, Facebook एंड Instagram।